नहीं, मुझे अलबेटा का पता ही आगे पूरा नहीं पता अच्छा चलो मामू रह रहे है अपना अलबेटा रह रहे हैं, हैं। मामू मतलब के रियल मामू या कजिन दूर दूर मामू रियल मामू मेरी मदर के ब्रदर अच्छा की उना था, उना था की बिजनेस कारोबार इधर वो सर वहां पे टैक्सी चलाते हैं मामू टैक्सी चलाते हैं अल्बर्टा में अच्छा तो मामू आपकी क्या हेल्प करेंगे आपको बुला रहे हैं क्या कर रहे हैं वो नहीं मैं पूछना चाहता हूँ बुला सकते हैं

कहीं उनकी जो वाकफियत है दोस्ती है उनसे पूछ सकते हैं कि भाई मेरे भांजे को कोई नौकरी दे दे ये कर सकते हैं वो मुझे वो कौन स्पॉन्सर किस चीज के लिए कर सकते वो स्पॉन्सर कर सकते हैं मुझे नौकरी के लिए कर सकते हैं आपको नौकरी के लिए वैसे नहीं कर सकते नहीं वैसे कोई स्पॉन्सरशिप नहीं है भाई ऐसे मामू भांजे का कोई स्पॉन्सरशिप एप्लीकेशन होती नहीं है ना कनाडा में है ना अमेरिका में मैंने तो सुना नहीं आज तक बाकी हो सकता है कि कोई नई अगर <laughs> जी 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 आप उनसे ये कहें कि अब वो टैक्सी चलाते हैं आपकी कैसे हेल्प करेंगे मेरे को नहीं पता लेकिन आप उनसे ये कहें कि मामू जान अगर मेरे लिए कोई आप नौकरी की तलाश कर दें हैं तो बड़ी मेहरबानी आपकी ठीक है ये कर सकते तो आप आपकी एजुकेशन क्या है भाई मैं अभी बैचलर्स कर रहा हूँ बैचलर्स तो कर रहे हैं ना अभी करते रहे भी कर, अभी मुकम्मल तो नहीं हुई नहीं नहीं तो आप करते रहे जल, जल्दी ज़, क्यों है? आप पहले बैचलर्स करके पूरी तालीम हासिल करें पूरी अच्छा अच्छा मैंने बार... ये भी बात पूछनी थी आपसे कि जो यूएसए के जो यू पटिशन फॉर केस फॉर्म वन आई थ्री जीरो पटिशन फॉर एलियन रिलेटिव्स ये ओपन हो गए हैं कि ये भी नहीं ओपन सर जी मेरे को पता नहीं यूएस के बारे में मैं कह सकता हूं, लेकिन मेरे को कहने इजाजत नहीं है लाइसेंस नहीं है यूएस के बारे में बात करने के लिए तो पिटिशन ओपन हुई है, है। बाद बारे में, बारे में बात करेंगे यूएस में आपके कौन है वहां पे अप्लाई भी भी किया मामू है यहाँ पर भी मामू है तो वहाँ वहाँ जो मामू रहते हैं उन्होंने आपको कैसे पिटीशन करना है वहां पर मामा का तो कोई पिटीशन होती नहीं है म, म, वो ने पूरी फैमिली के ने, अपने ब, और, लिए अपने ब्रदर्स अच्छा, उन्होंने, उन्होंने के सिस्टर लिए। के लिए किया हुआ है कि, कि, दो हजार सात का, का किया हुआ तो आप उनसे ऐसा करें कि जाहिर है कि उन्होंने कोई ना कोई कोई ना कोई लॉयर से किया होगा तो वो लॉयर से पूछें जो अमेरिका में लॉयर बैठा होगा जिन्होंने आ, उनके लिए करा सिस्टर के लिए कराओगे उन, उनसे पूछें कि फाइल नंबर है उनके पास फाइल नंबर होगा और उस फाइल नंबर से आप खुद ही चेक कर सकते है नेशनल है है तो सकते हैं वकील से पूछ लें हैं आप मैंने पर केस चेक किया था पर जब दो हजार इक्कीस सात का यही लिखा आ रहा है आपका केस अप्रूव हो गया लेकिन आगे कुछ फर्दर डिटेल्स नहीं आ रही तो भाई फिर तो ये सवाल तो आप उनके जो वकील साहब है जिन्होंने पैसे लिए होंगे मामू जान से वहां कर करने के लिए वो को जवाब दे नहीं रहे आपको नहीं अभी तो कुछ नहीं है वो भी कह रहे हैं कि वीजा मतलब के उनकी जो अभी खोला उन्होंने पर काम स्लो स्लो हो रहा है ये कम से खोल लेंगे सही तरह तो ठीक है भाई एक वकील ने आपको कुछ जवाब दिया है तो उस पर आप थोड़ा सा मुतमिन नहीं है शायद नहीं नहीं मुतमिन तो है पर वकील ने भी चेक ही किया थोड़ी देर पहले उन्होंने पूछा था

जी जो जहां तक तो मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि अगर आपकी पिटिशन पहले से अप्रूव हो चुकी है जब आपकी एज उससे क्रॉस क्रॉस से, cross, 21 से नहीं हुई तो आपकी एज लॉक लॉक कहते हैं उसको चाहे वो जितने देर बाद भी आए लेकिन आपकी एज बढ़ भी जाएगी फिर भी आप उसके साथ जा सकते हैं उस में मेरा तो अब तुम्हारी दो हजार सात है बस फिर तो फिर आपको फिर फिक्र करने की क्या जरूरत है फिर आप सीधे सीधे मेरे को नहीं है उनको वकील साहब को फोन खड़काएं जरा एकदम से जी जी सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी मैंने आपका देखा चैनल और मुबारक हो आपके 100 के पूरे हो गए थैंक यू आपके मुंह में घी शक्कर भाई आप तो थैंक यू वेरी मच आप लोगों की दुआ के साथ सारे, सारे लोग देख रहे हैं पसंद कर रहे हैं और लोगों को फायदा हो रहा है और इसलिए ये काम भी जस्टिफाई हो जाता है लोगों का फायदा होना चाहिए तो ऐसे हो रहा है बाकी आज अच्छा एक एक आखिरी सवाल ये है कि एक मामू जान आपको अमेरिका से खींच रहे हैं और आप सोच रहे हो की अल्बर्टा भी आ जाए साथ में टैक्सी के उसमें चक्कर में, में यहाँ पर अलबर्ट कनाडा में क्या इंटरेस्ट है अमेरिका में अगर आपकी दाल गलने वाली है तो यहाँ क्या करेंगे आके नहीं नहीं मैं पूछ रहा था कि जो मैंने उनसे पूछा ना कि जो 21 साल से ज्यादा हो जाते हैं ना फिर उनको जो फैमिली जाती है ना फिर वो जाके उन केस करती है मतलब कि यू केस की है उनको जाके मतलब के कहती है की हमारा एक बेटा वहाँ पे है वो अभी शादीशुदा नहीं है हम उसको बुलाना चाहते हैं तो वो बुलाते बुलाते तकरीबन चार से पांच साल का आठ लग जाता है तो इसलिए मैं पूछ रहा था अगर मेरा काम नहीं होता तो फिर मैं दूसरी पर करूं। अभी मेरी मैंने ना देख सकते हैं और आप खुद देख सकते हैं बाकी मैं उसको थोड़ा सा शेयर कर देता हूँ आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है की नहीं आ, पर है नजर आ रहा है कुछ आपको बस नहीं जी जी आ गया आ गया Uh, ये होता है एक्चुअली इसको कहते हैं रेट्रोग्रेशन आफ्टर एप्लीकेंट फाइल एडजस्टमेंट एप्लीकेशन सीएसपीए एज एट द टाइम ऑफ फाइलिंग वाज अंडर 21 देन द एप्लीकेंट सीएसपीए एज इज लॉक्ड इन थ्रू फाइनल एडजुडिकेशन ऑफ द एप्लीकेशन मतलब कि आपकी एज में ताला लग जाता है चाहे उसको और भी कितने साल लग, लग जाएं तो यह होता है लेकिन इसके बारे में जो सीएसपीए का जो है इसके बारे में आप uh, डायरेक्टली uh, अपने लॉयर को कॉल करें वो ज्यादा अच्छा है और उसको जो पूछना है तो उससे ये कहें मैं दिखा देता ये ये इसको इसको दिख रहा है स्क्रीन पे ये। इसको कहते हैं चाइल्ड स्टेटस प्रोटेक्शन एक्ट आप और कोई सवाल ना पूछे वकील साहब को ईमेल लिख दें कि भाई साहब हमें आपको चाइल्ड स्टेटस प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में एक छोटा सा सवाल करना है अगर आपके पास पूरे दिन में अगर पांच मिनट खाली हैं तो हम आपसे बात करना चाहते हैं क्योंकि आप हमारे वकील हैं मतलब उनके आपके मदर के और मामू के वहाँ से तो इसके बारे में हमें बात करनी है एंड दिस इज व्हाट दे विल दे विल टेल यू व्हाई नॉट इसमें थोड़ा सा मैं पढ़ देता हूँ यहाँ से थोड़ा सा पढ़ देता हूँ कि इसको कहते हैं सीएसपीएएच ये यूएस का इमिग्रेशन की बात कर रहे हैं भाई साहब ये कनाडा का नहीं है मेरे पास कोई लाइसेंस नहीं है यूएस इमिग्रेशन की बात करने के लिए कैन जनरल एक एक अवेयरनेस होती है वहां पर कि CSPA CSPA does not alter this definition. Instead, CSPA provides methods of calculating an alien's alien's age age for visa purposes. The resulting age is known as called इसके हवाले से आप उन्हें directly सवाल पूछें, तो आपकी वो clear वो, clear वो हो जाएगा आपकी शादीशुदा तो नहीं है आप? नहीं है नहीं, ठीक नहीं. है तो ये आप ये आप पूछ सकते हैं और ये ये वेबसाइट है यू यू कैन गो टू गूगल राइट नाउ गूगल पे आप टाइप करेंगे चाइल्ड स्टेटस प्रोटेक्शन एक्ट तो ये आपके पास ये सामने आ जाएगा सारी मैंने पूछना था कि जो फॉर्म 130 है इसकी मतलब के टाइमलाइन मिनिमम केस की लिमिट क्या होगी इनकी uh, सवाल मैं आपको ज्यादा ना इसको यूएस इमिग्रेशन के बारे में बोलना नहीं चाहता मैं आपको जवाब दे सकता हूँ लेकिन कई बार लोग फिर जो हमारे

मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि मैंने आपको जो दिखाया है ना वो सीएसपीए दिखाया है आप सीएसपीए को जाके प्रिंट कर लें या उसको कॉपी पेस्ट करके आपके अः उनको आप अगर आप उन लॉयर को अगर वो पूछना है तो उनसे पूछना कि सीएसपीए के बारे में मेरी एज लॉक लॉ इन है कि नहीं है ये पूछ लें और ये ये सवाल जवाब एक्चुअली आपके जो मामू है ना जो वहां पर बैठे हैं अमेरिका में उनसे क्यों नहीं पूछा आपने उनसे पहले पूछा कि नहीं है नहीं नहीं सर मैंने उनसे पूछा था उन्होंने कहा कि जब तक टोटल जब तक फाइनल जो लास्ट लेटर नहीं आता ना तब तक कुछ नहीं हो सकता क्योंकि मेरा एक कजन था वो भी रह गया था फिर उसका तकरीबन केस किया था तकरीबन सात साल बाद गया था नहीं वो वो एक सवाल दूसरा है लेकिन उन्होंने उन्होंने भी बाबू ने आपको टाल दिया कि ठीक है जी वो सब जब नहीं जब तक लेटर नहीं आता तब तो नहीं होगा लेकिन ये जो सवाल आपने मेरे से पूछा है यही सवाल आप यही सवाल आपके मामू ने उस वकील से पूछना है जिन्होंने पैसे लेकर आपकी उनकी पिटिशन फाइल करी है सवाल ये है कि आपका नाम उस्मान घानी जो अभी जी, जी, उम्र कितनी है अभी मेरी उम्र तकरीबन अभी है बीस साल उन्नीस साल और दस माह तो, तो फिर आप फिर चक्कर क्या फिर तो आपकी इक्कीस साल पहले भी थी और इक्कीस नीचे अभी भी है तो आपको सवाल पूछने की जरूरत ही नहीं फिर फिर क्यों चक्कर भी पता होता है कभी जल्दी हो जाते हैं फिक्र ना करें। अभी ये सवाल में अभी कोई जान नहीं है इसमें सोचा कि आपकी उम्र हो गई ना सो अभी तो छोड़े फिर सवाल पूछने की जरूरत नहीं है आप बस उनसे पूछ लें कि भाई और कितना टाइम आपकी जो पटिशन जो है जो पटिशन करंट कब होगी इसको कहते हैं कि भाई हमारा जो नेशनल वीजा सेंटर में उसके जो जो उसका नंबर आता है ना वो लाइव कब होता है उसका नंबर कब आएगा बस इतना पूछ लें और उतना वो जवाब दे देंगे क्योंकि उनके पास चार्ट होता है चार्ट से देख के बता देते हैं कि कितना उसमें बैकलॉग है उस साल का कोटा कितना है और उस कैटेगरी में उसका नंबर आपके एरिया वाइज होता है पाकिस्तान में वो हर एक कंट्री के कोटे होते हैं

पर वो सारी यूके एस की वेबसाइट बंद गई उसके बाद अब उन्होंने जनवरी का टाइम दिया अब उसके बाद ही कुछ पता लगेगा तो चेंज होगी हो वो, वो हो वो, वो कोई, कोई सवाल तो नहीं मेरे पास और कोई सवाल तो नहीं कनाडा के हवाले से कोई सवाल है न न सर बहुत बहुत मेहरबानी आपने मुझे बहुत यू थैंक यू खुदाफिज सर ये लाइव करेंगे आप यूट्यूब पे सर जी ये लाइव आपको लोग देख रहे हैं अभी आपको आप आपकी बात सुन रहे हैं देख रहे हैं आपको सब पहचान रहे हैं लाहौर वाले देख रहे हैं आपके बारे सर मेहरबानी थैंक यू थैंक केयर